अचलपुर की सरजमी से एक ऐसा कोरोना योद्धा डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर जाकिर है, जिन्होंने इस महामारी के दौर में कोरोना वायरस के लिए काफ़ी सहायता की है, मदद की है और डॉक्टर होने के नाते अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया है। इनके इसी कार्य को देखते हुए TNN24 न्यूज़ चैनल नागपुर की ओर से इन्हें कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर नवाजा गया है। सैयद हुसैन के हाथों इन्हें दिया गया है ये सम्मान। तो ऐसी शख्सियत के साथ हम आज हॉस्पिटल में हैं, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं और उसके बाद उनको TNN24 की ओर से सम्मानित किया गया है, सम्मान पत्र दिया गया है कोरोना योद्धा का, चलिए उन्हीं से हम जानते हैं। सर, TNN24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारे देश में भी है। तो इसी सिलसिले में अमरावती ज़िले का जो कोविड हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पर ICU के अंदर में अति दक्षता विभाग में मेरा चयन हुआ था, मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने उस 10 दिन की ड्यूटी को अपनी पूरी तरह से अच्छी तरह से, जितना भी जो कोविड के कोरोना के पेशेंट हैं उनको किस तरह से फ़ायदा पहुँच सकता, मैंने वो पूरी कोशिश किया। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं वहाँ पे संक्रमित हो गया, मुझे भी, मेरा भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं अपना खुद उपचार के लिए नागपुर में मुझे एडमिट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर मुझे डिस्चार्ज हुआ, मेरा क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हुआ और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज सबसे पहले तो ये जो TNN24 न्यूज़ हैं, इन्होंने मुझे कोरोना योद्धा का जो प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, मैं इस चैनल के जितने भी लोग हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जो भी TNN24 चैनल ने, मैंने भी देखा है कि पूरा कोरोना जैसी महामारी के टाइम में जो लोगों की जो जन जागृति की है, लोगों में अवेयरनेस जो चलाया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है और आगे भी ये कोशिश करते रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और देखिए, मैं जनता से ये आह्वान करूँगा कि अभी तक लॉकडाउन था, अभी अनलॉक वन का जो फेज़ है वो शुरू हो गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक हमको रोका जाता था कि आप घर में रहो, बाहर मत निकलो, लेकिन अब अनलॉक होने से हम खुद निकलते हैं, तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमको चाहिए कि हम खुद भी रुकें, दूसरों को भी रोकें और गैर ज़रूरी जमावड़ा, एक जगह बैठना, बाज़ारों में जमा होना, इस चीज़ से खुद भी रुकें और लोगों को भी रोकें, ताकि ये महामारी से हम जो है इसकी जो जंग है वो जीत सकें। तो सर, मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा, क्या ये जो आपका अचलपुर से अमरावती, अमरावती से नागपुर ये जो सफ़र रहा है, तो गरीबों के लिए आपने जो कुछ किया है ऐसे महामारी के टाइम में, अपनी जान पे खेलकर आपने लोगों की जान बचाई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ज़िले के अंदर में कोविड हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना के पेशेंट को भर्ती किया जाता है, उसी तरह से अमरावती में भी है। तो मेरी तरह से जितने भी प्रशासन के और कुछ प्राइवेट भी डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छी तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाया जा सके इसकी पूरी कोशिश, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग वहाँ ड्यूटी स्टाफ है, सिस्टर्स है, क्लास 4 है, स्वीपर है, ये सारे लोग एक टीम मिलकर वहाँ पे जो है तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है और कोरोना के पेशेंट्स को और मरीजों को बहुत अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश कर रही है। और आपको जो TNN24 की ओर से कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया गया इनके टीम की ओर से, TNN24 के न्यूज़ की टीम की ओर से, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जो क्लास 4 और स्वीपर हैं, यानी कोविड में या कोरोना के हॉस्पिटल में जितने भी लोग उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, तो आप, मैं तो ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उन सभी को जो है तो एक सम्मानित करें और आपका जो ये न्यूज़ चैनल है TNN24,
वाकई बहुत काबिले तारीफ है कि आपने मुझे प्रमाण पत्र देकर मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जो कोरोना के बारे में लोगों में जो एक अवेयरनेस और लोगों में जो जन जागृति कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा एक सामाजिक कार्य है, मैं ये समझता हूँ। और आप इसी तरह से इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएंगे कि भाई कोरोना से हमको सबको मिलकर जो है तो वो जंग जीतना है। और आज अचलपुर की वो शख्सियत डॉक्टर जाकिर सर जो हमारे साथ है, आज अचलपुर शहर का हर जगह पे नाम निकलता है। क्या जाकिर सर ने जो कार्य किया है वो शायद ही किसी